दिल्ली एवं पंजाब के हितों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से बाढ़ को लेकर की जा रही बयानबाजी। भाजपा की हरियाणा में बढ़ा रही है मुसीबत। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। आम आदमी पार्टी करीब पिछले 10 वर्ष से दिल्ली में सत्ता पर है, तो पंजाब में पिछले साल मार्च में 92 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी सरकार बनाकर सामने आई है। उसके बाद पार्टी ने गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी जोर शोर से लड़ा। इसके बाद से आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा पर है। गौरतलब है कि इस समय हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। इन चारों ही राज्यों में सतलुज यमुना लिंक नहर एवं पानी को लेकर लंबे समय से लड़ाई जारी है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा, राजस्थान में हिमाचल प्रदेश पर तंज कसते हुए कहा कि अब हरियाणा और राजस्थान को पानी चाहिए तो वो भेज देते हैं। मान के अनुसार वैसे तो हरियाणा पानी को लेकर अपना हक मांगता है, और अब जब बाढ़ के चलते अधिक पानी आ गया तो हम पानी हरियाणा को देना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हरियाणा में पानी ना छोड़े। मान से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखते हुए हरियाणा पर यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से अधिक पानी छोड़े जाने का आरोप लगा दिया। इससे पहले भी केजरीवाल सतलुज यमुना लिंक नहर को पंजाब चुनाव के दौरान बयान देकर पार्टी के लिए हरियाणा में मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। वैसे भी पानी का मुद्दा हरियाणा के हर चुनाव में सबसे बड़ा मसला रहता है। ऐसे में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में अभी भी से अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी को उसी के सुप्रीमो केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुसीबत में डाल दिया है। गौरतलब है कि SYL को लेकर हरियाणा पंजाब में विवाद चल रहा है। 1982 में इस नहर की आधारशिला रखी गई थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बीच इस नहर को लेकर जंग हरियाणा गठन के बाद 1966 से लगातार जारी है। विवादों का पर्याय बन गई है यह नहर। समझौते के अनुसार कुल 17.17 मिलियन एकड़ फुट पानी में से पंजाब को 4.22 मिलियन एकड़ फुट, हरियाणा को 3.5 मिलियन एकड़ फुट और राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फुट, और जबकि जम्मू कश्मीर को 0.65 मिलियन यानी कि 65 एकड़ फुट पानी मिलना था। जी हाँ, 24 जुलाई 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लौंगेवाल के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। मामला लंबे समय से अदालत में चला। नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला दिया, और जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को 3 सप्ताह के बीच इस मुद्दे पर बातचीत के जरिए हल निकालने का सुझाव दिया था। गौरतलब है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का विवाद हरियाणा गठन के बाद से ही चला आ रहा है। इस विवाद की मुख्य जड़ है नदी के जल का बंटवारा। साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना के अंतर्गत 214 किलोमीटर लंबा जल मार्ग तैयार करने का प्रस्ताव था। इसके तहत पंजाब से सतलुज को हरियाणा में यमुना नदी से जोड़ा जाना था। इसका 122 किलोमीटर लंबा हिस्सा पंजाब में, जबकि शेष 92 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में है। पंजाब का तर्क है कि उस समय उसके पास 14.37 MF पानी की उपलब्धता है और सरप्लस पानी नहीं है। तर्क यह भी है कि अगर सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण हो जाता है और हरियाणा को पानी दिया जाता है, तो पंजाब के फिरोजपुर, मुक्तसर, मोगा, फरीदकोट की 9 लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई के नजरिए से संकट खड़ा हो जाएगा। सतलुज यमुना लिंक नहर का अगर निर्माण पूरा होता है तो इसके साथ हरियाणा को फायदा हो जाएगा। जी हाँ, दक्षिण हरियाणा की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। नहर के निर्माण से हरियाणा के दक्षिणी हिस्से की बंजर जमीन को सींचा जा सकेगा। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।